नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बच। और आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे टॉपर्स नोट्स के बीपीएससी के बिहार लोक सेवा आयोग के जीएस पेपर 2 भाग 6 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बुक का। दोस्तों हम रिव्यू करेंगे और ये बुक कैसा है इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि बीपीएससी के टॉपर्स नोट्स के कुल आपको 11 बुक देखने को मिल जाएंगे, जिसमें 6 भाग आपको देखने को मिलेगा जीएस पेपर 2 का, वही 4 भाग देखने को मिलेगा जीएस पेपर 1 का, और एक आपको अलग से बुक मिल जाएगा सामान्य हिंदी और निबंध लेखन का। ठीक है, तो कंप्लीट सेट आपको बीपीएससी का मिल जाएगा। ठीक है, और इन बुक का दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपको अलग से नोट्स नहीं बनाना होगा, बहुत ही ज़्यादा सटीक जानकारी देखने को मिलेगा इन सभी बुक में, और एग्जाम ओरिएंटेड इस बुक को बनाया गया है। ठीक है, चलिए बुक के अंदर कंटेंट को देखते हैं। तो ये बुक दोस्तों प्रीलिम्स और मेंस है, बीपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। साइंस और टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा अच्छा नोट्स है ये दोस्तों। ठीक है, एनसीईआरटी का निचोड़ आप कह सकते हैं, साथ में आपके बीपीएससी के सिलेबस को बहुत ही शानदार तरीके से कवर किया गया। और इस बुक को देखने के बाद दोस्तों, इस नोट्स को देखने के बाद आपको कोई और बुक देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इस नोट्स में सारा जानकारी आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। ठीक है ना, चलिए दोस्तों इस साइंस के बुक का हम देखते हैं इंडेक्स किस तरह से देखने को मिलेगा, विषय सूची को देखते हैं। तो सबसे पहले भौतिक विज्ञान दिया गया। भौतिक विज्ञान में गति, बल, गुरुत्वाकर्षण, कार्य, ऊर्जा, आवर्त गति, तरंग, प्रकाश, दर्पण, विद्युत धारा। उसके बाद दोस्तों रसायन विज्ञान, द्रव्य अणु, रासायनिक बंध, अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, समीकरण, लवण, अम्ल, क्षार और लवण, जीव विज्ञान हो जाएगा। उसके बाद संघ एनी लीडा, मोलस्का, ऑर्थोपोडा। ठीक है, उसके बाद पादप जगत हो जाएगा। उसके बाद कोशिका, पादप एवं जंतु कोशिका संरचना व कार्य, उत्तक, जीव जगत, जीवाणु, विषाणु, माइकोप्लाज्मा, जनन। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखेंगे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, मूल बातें, जी सैट। उसके बाद यहाँ पे अंतरिक्ष प्रदूषण, प्रक्षेपण यान, अंतरिक्ष वाहनों में प्रयुक्त प्रोनोदक। उसके बाद दोस्तों अंतरिक्ष संगठन। उसके बाद जैविक प्रौद्योगिकी, इसमें सारे टॉपिक को दोस्तों आप देख लीजिएगा, नैनो प्रौद्योगिकी। उसके बाद कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी, इसमें भी काफ़ी सारे टॉपिक को कवर किया गया है। उसके बाद परमाणु प्रौद्योगिकी। उसके बाद दोस्तों रक्षा, और उसके बाद यहाँ पे डिफेंस के बाद आपको देखने को मिलेगा योजना और नीति। ठीक है, टोटल आपको 250 पेज से भी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, 243 पेज आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलने वाला है। ठीक है, बुक के कंटेंट के बारे में दोस्तों बात करें तो बुक का कंटेंट आपको एग्जाम ओरिएंटेड देखने को मिलेगा। उससे पहले मैं बता दूं दोस्तों इनके एप्लीकेशन के बारे में, इनके एप्लीकेशन का एक क्यूआर कोड दिया है, जिसको डाउनलोड करने के बाद बुक के अंदर जो क्यूआर कोड दिया है, या फिर एक्स्ट्रा जो एग्ज़ाम वाइज आप वीडियोज़ देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों सॉल्यूशन वीडियो देख सकते हैं, और उसके बाद अतिरिक्त पाठ्यक्रम सामग्री आपको मिल जाएगा, विषयवार अभ्यास, कमजोर टॉपिक का विश्लेषण, और टेस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों पहले टॉपिक को देखते हैं। तो ये एक हैंड रिटन नोट्स है। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से जो बीपीएससी के टॉपर्स होते हैं और जो एक्सपर्ट टीचर होते हैं बीपीएससी के, उनके द्वारा इस नोट्स को तैयार किया गया है। भौतिक विज्ञान का ये नोट्स है दोस्तों, और इस नोट्स में सबसे पहले आपको गति देखने को मिलेगा। गति से रिलेटेड जो भी पॉइंट है उसको बहुत शॉर्ट में समझाया गया, विस्थापन हो गया, सारा कुछ दोस्तों आप देख रहे होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझाया गया है। ठीक है, बुक दोस्तों बहुत ही अच्छा है। न्यूटन के गति के नियम के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। उसके बाद दोस्तों आपको बल देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों अभिकेंद्री बल हो गया, अभिकेंद्री बल के उदाहरण हो जाएंगे, फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कोहेसिव फोर्स हो जाएगा, एडहेसिव फोर्स हो जाएगा। उसके बाद सर्कुलर मोशन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा, सेंट्रीपेटल फोर्स हो जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो जाएगा। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको द्रव्यमान व भार हो जाएगा, भारहीनता हो जाएगा, पलायन वेग हो जाएगा, टाइप्स ऑफ वर्क हो जाएगा, पॉजिटिव वर्क हो जाएगा, नेगेटिव वर्क हो जाएगा, जीरो वर्क हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ऊर्जा हो जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो जाएगा, ऊर्जा रूपांतरण हो जाएगा, आवर्त गति व तरंग हो जाएगा। ठीक है, सारे टॉपिक को बहुत ही प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से समझाया गया है। ठीक है, मतलब बहुत ही सिंपल वे में समझाया गया, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का यूज़ किया गया, आप आसानी से इनके सारे टॉपिक को समझ सकते हैं। और मैं बता दूं ये बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगा। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, वहाँ से आप इन सभी बुक को परचेज कर सकते हैं। टोटल MRP 3200 रुपये है दोस्तों। ठीक है, इनके ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप परचेज कर सकते हैं। सारे टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे दे दिया गया है, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया गया है। ठीक है, आपको कोई भी टॉपिक समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है,
आपके एग्जाम के सिलेबस को कंप्लीटली यहाँ कवर किया गया, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में कवर किया गया है। ठीक है, हर एक चीज़ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में 200 टॉपिक देखने को मिलेंगे। टॉपिक के हेडिंग को दोनों में दिया गया है, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, मतलब एक बुक से ही आप सारा कुछ कवर कर लेंगे, पूरे साइंस को आप एक बुक से कवर कर लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट फिगर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और ये रसायन विज्ञान चैप्टर 2 हो गया, रसायन विज्ञान यहाँ से शुरू होता है, द्रव्य हो गया। ठीक है, और इंपॉर्टेंट आपको टेबल देखने को मिल जाएगा, स्टैटिक फैक्ट आपको देखने को मिल जाएगा टेबल के रूप में। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सारा डेटा आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने समझाया हुआ है। दोस्तों इनके बुक को आप ज़रूर परचेज़ कीजिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा बुक है दोस्तों। इससे बुक को परचेज़ करने के बाद आपको और कुछ आपको देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इनके नोट्स से आप अच्छे से अंतिम समय में रिविज़न भी कर सकते हैं। ठीक है, कुल मिला के 11 बुक होते हैं दोस्तों, और प्रीलिम्स और मेंस दोनों को कवर करते हैं। ठीक है ना, और एग्ज़ाम वाइज आता है, जैसे UPSC का इनका नोट्स बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है तो आप उसे भी ले सकते हैं, या फिर SSC एग्ज़ाम, रेलवे एग्ज़ाम, अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम, सभी के लिए इनके नोट्स आते हैं, बहुत ही शानदार आते हैं। यहाँ दोस्तों देखिए फिगर बहुत ज़्यादा क्लियर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिगर का भी यूज़ किया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से टॉपिक को क्लासिफाई किया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से टॉपिक को समझाया गया है, सिंपल लैंग्वेज का यूज़ किया गया है जिससे आप टॉपिक को आसानी से समझ पाएँ और कोई भी आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, बुक दोस्तों बहुत ही अच्छा है, बुक में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ये है यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे, यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे सारे टॉपिक को बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ समझाया गया है। ठीक है, फिगर के माध्यम से ये ह्यूमन ब्रेन हो गया, उसको देखिए कितने अच्छे तरीके से यहाँ ह्यूमन ब्रेन को समझाने का इन्होंने कोशिश किया है। ठीक है ना, ठीक है, एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड बनाया है दोस्तों, और बहुत ही अच्छे तरीके से, आपको अलग से नोट्स नहीं बनाना होगा। ठीक है, एक परफेक्ट स्टडी मटेरियल आपके सामने है, ये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है। ठीक है, जहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं जो फिगर है बिल्कुल क्लियर आपको देखने को मिलेंगे, प्रिंटिंग क्वालिटी और पेपर क्वालिटी बहुत ज़्यादा क्लियर आपको देखने को मिलेंगे, टेबल के फॉर्म में सारा जानकारी यहाँ शेयर किया गया जिससे आप आसानी से समझ पाए, शॉर्ट ट्रिक्स आपको दिया जाएगा और QR कोड आपको देखने को मिल जाएगा जिससे आप इस टॉपिक को और भी डिटेल में समझ सकते हैं। ठीक है, जगह जगह आपको QR कोड मिल जाएगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उससे रिलेटेड आपको QR कोड आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी फिगर है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से हर एक टॉपिक को रिप्रेजेंट किया गया इस बुक के अंदर। तो बुक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और इस बुक को ज़रूर आपको परचेज करना चाहिए अगर आप BPSC की तैयारी कर रहे हैं तो। बुक में कोई भी कमी नहीं है, प्रिंटिंग क्वालिटी और पेपर क्वालिटी मैंने बताया कि बहुत ही ज़्यादा क्लियर है दोस्तों, और बुक दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छा बुक है दोस्तों। इस बुक को अगर आप परचेज कर लेते हैं तो आप आसानी से BPSC के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्योंकि इस बुक में BPSC के कंप्लीट स्टडी मटेरियल को बहुत ही शानदार तरीके से टॉपर्स का यहाँ जानकारी साझा किया गया है कि टॉपर्स किस तरह से नोट्स बनाते हैं, तो आपको अलग से कुछ भी नोट्स नहीं बनाना होगा। ठीक है, और बुक दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर ये दोस्तों अगर इसके बारे में कोई और भी डाउट आपके मन में होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।